नमस्कार भाइयों, आज का दिन हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज अदालत ने राजा मानसिंह के कातिल 11 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जाट मरा तब जानिए जब तेहरवी हो जाए। ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसी घटना हिंदुस्तान में दूसरी नहीं मिलेगी। भरतपुर वाले चौधरी मानसिंह की आज 35 साल बाद तेहरवी हुई है। राजा मानसिंह, ये नाम अगर आप राजस्थान से हैं तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये वही नाम है जिसने गुस्से में आके सीएम का हेलीकॉप्टर तोड़ दिया था। यह घटना तब घटित हुई जब राजा मानसिंह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर विजेंद्र सिंह को उनके सामने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। 20 फरवरी 1985 को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजा मानसिंह के पोस्टर, झंडे और बैनर फाड़ दिए थे। इससे मानसिंह जी काफी नाराज हो गए। हमारे धाकड़ बुजुर्ग जाट ने इज्जत पर बात आने पर मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को फोड़ दिया था। वे उनके मंच को तहस नहस कर दिया। निहत्थे चौधरी साहब को कांग्रेसी पुलिस ने घेर कर मार दिया था। बुजुर्ग बताते हैं कि पुलिस में भी महाराजा का इतना भय था कि उनकी लाश के पास जाने की किसी की हिम्मत ना हुई। 7 बार के लगातार विधायक की हत्या उन्हीं कांग्रेसियों ने की थी, जो आज विकास दुबे बदमाश के मारे जाने पर आंखें फोड़ कर रो रहे हैं। राजा मानसिंह की पुत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने कहा कि करीब 1700 तारीख पड़ी है और कई बार जज बदले, और करीब 35 साल बाद आज उनके पिता को शांति मिलेगी जब उनकी हत्या के आरोपियों को दोषी माना गया है। आज 35 साल बाद अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया, लेकिन घटना के असल सूत्रधार राजीव और माथुर के साथ कुदरत पहले ही हिसाब कर चुकी है। ऐसे धाकड़ जाट पुरखे को कोटी कोटी नमन। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।